हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 17। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार किस निकाय की सिफारिश केंद्र और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है GST काउंसिल, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, GST काउंसिल। सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार किस निकाय की सिफारिश केंद्र और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, GST काउंसिल। नेक्स्ट आते हैं, 19वीं सांगरीला डायलॉग का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। 19वीं सांगरीला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है UP। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल ने। नेक्स्ट आते हैं, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेराडीवालन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया था? आपके पास ऑप्शन ए आर्टिकल 142, ऑप्शन बी आर्टिकल 158, ऑप्शन सी आर्टिकल 108, ऑप्शन डी आर्टिकल 113। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 142। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेराडीवालन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल 142। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने ESCPM द्वारा जारी भारत में असमानता की स्थिति स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है SEBI, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, ऑप्शन डी है NABARD। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस। किस संस्था ने ESCPM का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट में बोलते हैं ESCPM, द्वारा जारी भारत में असमानता की स्थिति स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट तैयार की है। तो किसने की है? प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन ने। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ए सवाज, ऑप्शन बी है थाम्बी, ऑप्शन सी है धाकर, ऑप्शन डी है आशा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाम्बी। 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाम्बी। और सवाज किसका मैस्कॉट है? तो सवाज आपका था 36 नेशनल गेम का, जो कि कहाँ हुआ था? गुजरात में। सवाज किसका मैस्कॉट है? 36 नेशनल गेम का, हुआ कहाँ पे था? गुजरात में। और धाकर किसका मैस्कॉट है? तो ये आपका है फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम का। और आशा किसका मैस्कॉट है? ये आपका फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम का। और पांचवा कहाँ पे हो रहा है? अभी चल रहा है तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर
उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका, यूएसए। डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन बी है यूपीआई, ऑप्शन सी है एनईएफटी आरटीजीएस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनईएफटी और आरटीजीएस। डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनईएफटी और आरटीजीएस। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी का उद्घाटन किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा में। नेक्स्ट आते हैं, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्हाट्सएप ने। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, व्हाट्सएप ने। नेक्स्ट आते हैं, मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? मेटावर्स का मतलब क्या हुआ? आभासी दुनिया। आपके पास ऑप्शन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन बी है AICTE, ऑप्शन सी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, AICTE। मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, AICTE। नेक्स्ट आते हैं, मई के किस दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मई का दूसरा सोमवार, ऑप्शन बी है मई का दूसरा शनिवार, ऑप्शन सी है मई का पहला रविवार, ऑप्शन डी है मई का तीसरा शुक्रवार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मई का तीसरा शुक्रवार। मई के किस दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मई का तीसरा शुक्रवार। नेक्स्ट आते हैं, 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा, इससे क्या होगा आप लोगों का टाइम भी बचेगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 314.51 मिलियन टन। 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 314.51 मिलियन टन। अगर यहीं पे पूछता चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में अगर पूछेगा तो चौथे से भी पूछ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपका फोर्थ, अगर पूछते फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अनुसार, चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, तब कितना होगा खाद्यान्न अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन? यहाँ पे तीसरे की जगह पे केवल चौथा होता तो आपका आंसर होता 315, जो कि इम्पॉर्टेंट है, 315.72 मिलियन टन। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो 315.72 मिलियन टन। और अगर केवल राइस का पूछे तो राइस कितना था? अगर राइस पूछते चावल तो 130.29 मिलियन टन। गेहूं कितना था? वीट आपका था 106.  बीपी से पूछ सकती है 84 मिलियन टन। और पल्स कितना था? पल्स आपका था 27.69 मिलियन टन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 21 मई को। भारत में किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 21 मई को। नेक्स्ट आते हैं, अब मैं आंसर बताते हुए चलूँगा। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान भारत में सबसे अधिक निवेशक कौन था? सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया था? तो सिंगापुर से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। अब थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, काम की चीज़ है। वित्त वर्ष 2021-22 में FDI हासिल करने में भारत का कौन सा स्थान था? सातवां था। सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया है 27% और इसके बाद अमेरिका है 28%। सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी कौन से राज्य को मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात हो रही है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की थीम क्या है? तो इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों आपको थीम याद करना है, पूछ सकता है UPSC या स्टेट PCS में। और सबसे ज़्यादा FDI कौन से देश को मिला है? तो USA को। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है, वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में FDI हासिल करने में भारत का कौन सा स्थान था? सातवां। सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से 27% और इसके बाद अमेरिका से 18%। सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी कौन से राज्य को मिला है? कर्नाटक को मिला है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की थीम क्या है? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की थीम है इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दाओस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का स्थान कौन सा है? तो दाओस में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया UK टुगेदर 2022 ए सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, AR रहमान को। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया UK टुगेदर 2022 ए सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, AR रहमान को। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऊर्जा मंत्रालय ने। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव के DNA को बदला जाता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग भी बोल सकते हैं। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव के DNA को बदला जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीनोम एडिटिंग। नेक्स्ट आते हैं, क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान, टोक्यो में हुआ था। क्वाड लीडर्स समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। अच्छा, इसमें कौन सी कंट्री है? तो इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय शख्सियत के चुनिंदा भाषण है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय शख्सियत के चुनिंदा भाषण है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रामनाथ कोविंद। और इसे रिलीज किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन बी, USA के साथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, USA। एक मिनट, ओके, सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, USA के साथ। नेक्स्ट आते हैं, कार्ड और UPI जून 2022 के बाद के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा क्या है? सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15,000 तक। कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15,000। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल शॉर्ट में बोलते हैं कॉर्पेट अभ्यास किया, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और यह चौथा एडिशन था भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी ने किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट अभ्यास किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट आते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 62 साल, 62 ईयर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 62 ईयर, 62 साल। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी नए CDS कौन बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है, सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जिनेवा। और थीम क्या थी इस बार की, हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। तो आपको याद क्या रखना है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल जिनेवा है और इसकी थीम क्या थी, हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई के लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHAI ने। किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NHAI ने। नेक्स्ट आते हैं, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। और ओवरऑल 3रे नंबर की है, इससे पहले जावेद मियादाद पाकिस्तान से और सचिन तेंदुलकर है, और 3रे नंबर पे मिताली राज। और अगर केवल महिला क्रिकेटर की बात हो तो मिताली राज पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 विश्व कप में भाग लिया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA के साथ। भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA के साथ, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, सही आंसर क्या होगा, यूनिसेफ ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ ने। नेक्स्ट आते हैं, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस संस्था द्वारा डोरनियर विमान और सुखोई 30 MKI एरो इंजन के निर्माण को मंजूरी दी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस संस्था द्वारा डोरनियर विमान और सुखोई 30 MKI एरो इंजन के निर्माण को मंजूरी दी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा HAL। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ILO। MyGOV हेल्प डेस्क को किस सामाजिक मंच में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है, सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WhatsApp। MyGOV हेल्प डेस्क को किस सामाजिक मंच में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WhatsApp। नेक्स्ट आते हैं,
वैश्विक सहयोग ग्राम ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और किन के साथ पार्टनरशिप में? तो एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की। और किसके साथ पार्टनरशिप में? तो एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट आते हैं, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया था? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस टाइप का मिसाइल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जन समर्थ पोर्टल। क्रेडिट से जुड़ी सरकारी योजनाओं क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जन समर्थ पोर्टल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन ने। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने अपने मानव युक्त मिशन को अपने तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च रॉकेट, जैसे लॉन्ग मार्च 4C हुआ, तो सिंपली आपको याद रखना है कि लॉन्ग मार्च रॉकेट कौन सा देश यूज करता है? तो चाइना करता है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राफेल नडाल। अब 2022 के जो ग्रैंड स्लैम है ना, उसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो पुरुषों का ग्रैंड स्लैम हुआ था 2022 में, उन सबको देख लेते हैं कि पुरुषों में खिताब किसने जीता है। तो US ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। इन्होंने हराया किसे था? कैस्पर रूड को। विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता है। इन्होंने हराया था निक किर्कियोस को। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता, हराया किसे था? कैस्पर रूड को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने, हराया किसे था? डेनियल मेदवेदेव को। फिर महिला का देख लेते हैं, US ओपन किसने जीता? इगा स्वीटेक ने, हराया किसे? ओंस जयपुर को। विंबलडन किसने जीता? एलेना रायबगीना ने, इंपॉर्टेंट है पूछेगा। इन्होंने हराया किसे था? ओंस जयपुर को। फ्रेंच ओपन इगा स्वीटेक ने जीता है, हराया किसे? कोको गॉफ को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एश्ले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? एश्ले बार्टी ने। इन्होंने किसे हराया था? डेनियल कॉलिंस को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट लॉन्च की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। लाइफ मूवमेंट किसने लॉन्च की, कौन से देश ने? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। और इसे लॉन्च किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 14। एक्सरसाइज संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांग्लादेश। एक्सरसाइज संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट आते हैं, टेड्रोस अधानोम को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO।
टेड्रोस अधानोम को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, WHO। नेक्स्ट आते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म लॉन्च की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UNEP के साथ। पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UNEP के साथ। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल शामिल किए गए थे? सरकारी स्कूल, दूसरा है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, तीसरा है निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वनली वन, ऑप्शन बी है वनली वन एंड टू, ऑप्शन सी है वनली टू एंड थ्री, ऑप्शन डी है ऑल वन टू एंड थ्री। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल। हाल ही में जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल शामिल किए गए थे? तो सरकारी स्कूल भी शामिल था, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय भी शामिल था, और निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय भी शामिल थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल वन टू एंड थ्री। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार कितने परसेंट बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं? तो आंसर क्या होगा, 48%। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीधे आंसर पे ही आते हैं, ऑप्शन पढ़ने की आदत हो गई है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वनली वन अर्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था? एग्जाम में पूछ सकता है, तो स्वीडन के द्वारा। और आज के आखिरी कैंडल फिर पे आते हैं, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैंने सेट 1 से सेट 16 तक का कंपाइलेशन टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।